ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, बाय द वे हरे कृष्णा ठीक है, चलो बस। सो थोड़ा स्लो होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जस्ट फॉर अ चेंज, क्योंकि कुछ नए गेस्ट भी यहाँ पर यूथ्स भी हैं। सो मैं डिस्कस कर रहा हूँ भगवद गीता चैप्टर 4 एंड टेक्स्ट 7। कौन सा श्लोक है? यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानि सृजामि। गीता देना जरा मुझे, ज़्यादा अच्छा है। सो ये श्लोक बहुत फेमस है भगवद गीता निकाल कर, 4th chapter 7th verse आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत सीरियल आता था उसमें पहले ये श्लोक चलता रहा, वो व्हील चलता रहता था और मैं काल हूँ, व्हाट वाज दैट डायलॉग। ठीक है, वैसे तो आपको हिंदी देनी चाहिए थी बुक। ओके, सो है इंग्लिश ये। भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, ये खोल के दो मुझे, ये श्लोक सबने सुना ही हुआ है नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट मीनिंग शायद हम लोगों को नहीं पता पूरी तरह। भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सो इस श्लोक के अंदर भगवान ने कई सीक्रेट्स छुपा रखी हैं। सुनने में आसान लगता है, मगर एक्चुअली डिपेंड करता है आप इस श्लोक फिलोसोफर की दृष्टि से देखते हो या डिवोटी की दृष्टि से देखते हो, और इनफैक्ट पॉलिटिशियंस ने भी बहुत सारी गीताएं लिखी हैं, उनकी दृष्टि से देखोगे अलग अलग मतलब है श्लोक के। बट भगवान क्या कहना चाहते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो भगवान कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा मतलब होता है जब जब और जहाँ भी, जब जब मतलब है कि भगवान दो बार यदा यदा कह रहे हैं ये बताने के लिए कि एक तो बात यह है कि धर्म की हानि ज़रूर होगी। कृष्णा खुद कह रहे हैं जब धर्म ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब है कि धर्म को नष्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में, कालो अस्मि भरत ऋषभ, मैं टाइम हूँ, मैं समय हूँ, और समय के रूप में मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हूँ। टाइम का काम है डिस्ट्रॉय करना, समय का काम कुछ क्रिएट करना नहीं है। भगवान ने समय बनाया तोड़ने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए नहीं बनाया। तो समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, बनती हैं, ख़राब हो जाती हैं, हमारी बॉडी भी ग्रो करती है, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी भी ख़त्म हो जाएगी, बूढ़े होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हमारा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म होगा। ये इटर्नल ट्रुथ है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है सत्य को। बट युधिष्ठिर महाराज ने एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज का एनकाउंटर यमराज से जी से हुआ था। तो यमराज ने क्वेश्चन पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि सबसे आश्चर्य की चीज़ क्या है संसार में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सबसे आश्चर्य इस संसार में है कि सब लोग मरते हैं, मगर हर इंसान सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। सबसे आश्चर्य की चीज़ है, और इस तरह अपनी लाइफ की प्लानिंग करते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। इसको कहते हैं कृष्णा, इसको कह रहे हैं मूढ़, मूर्ख, फूलिश व्यक्ति। क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म होगा, हमारी लाइफ भी ख़त्म होगी, हमारे जो प्लान्स है वो सब ख़त्म हो जाएंगे, कभी भी आपके प्लान्स इटर्नली नहीं चल सकते।
इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्रिएशन के बारे में नहीं सोचता, वो डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है। ऑल्दो आज के ज़माने में लोग थोड़ा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, नहीं पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, बट एक्चुअली कृष्णा ना पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं ना नेगेटिविटी की, वो रियलिटी की बात कर रहे हैं। रियलिटी क्या है? एक पता है एक वो होता है आपका क्या कहते हैं उसको, चतुर्मुख क्या होता है? चतुर्मुख क्या इंग्लिश में क्या होते हैं? ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच को जब ऑस्ट्रिच होती है, जब उसको अगर शेर उसके सामने आ जाए तो भागती नहीं वो, मतलब कुछ लोग भाग जाते होंगे बट जनरली ऑस्ट्रिच अपना मुंह मिट्टी में डाल देगी और उसको लगेगा कि शेर नहीं है, बच गई मैं, क्योंकि मिट्टी में चला गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा शेर। तो इतनी बेवकूफ़ होती है कि अगर शेर दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब शेर नहीं है, दैट्स फुलिशनेस। अगर हमें मृत्यु दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु नहीं है। अगर हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि समय सब कुछ नष्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि समय नष्ट नहीं करेगा। सो वही कृष्णा कह रहे हैं कि एक पॉइंट कृष्णा बहुत बड़ा लॉ बता रहे हैं संसार का, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा डिस्ट्रक्शन को अपने आँखों के सामने रखना चाहिए, क्रिएशन को नहीं। जो क्रिएशन के बारे में सोचता रहेगा वो परेशान ही रहेगा, क्योंकि हमेशा नया नया चीज़ क्रिएट करता रहेगा। मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, वो आप कर सकते हो, क्रिएशन बहुत अच्छा है, कोई मना नहीं कर रहा, बट वो चीज़ क्रिएशन करते 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 उसका तो कोई एंड ही नहीं है, और उससे माइंड डिस्टर्ब होगा, आपका मन कभी भी शांत नहीं होगा। कृष्णा खुद कह रहे हैं चिंताम अपरयाम प्रलयंताम उपाश्रितः। इसलिए तो हमारी संस्कृति में लोग ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, अभी बद्रीनाथ जा रहे हैं व्यासदेव जी गुफा में रहते थे, मतलब इतने सारे लोग जंगलों में क्यों रहते थे? मैं सोचता था जंगलों में क्यों रह रहे हैं, आराम से घर बना के रह लें, प्रॉब्लम क्या है? बट नो, एक बहुत बड़े ऋषि थे लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि की जो आयु थी वो करोड़ों कल्प थी। कल्प समझते हो? कल्प मतलब होता है, कैसे कहेंगे कल्प, हाँ ब्रह्मा जी का एक दिन, वो तो चलो समझ नहीं आएगा। कल्प मतलब तो हमारा जो कलयुग है, कलयुग की एज है 4,32,000 ईयर्स, जिसमें हमें अभी उसके सिर्फ 5,000 साल बीते हैं, और ऐसे ही फिर द्वापर युग इससे पहले उसकी एज थी 8,64,000, ट्वाइस हो गई, ऐसी त्रेता की और ट्वाइस 96,000, और फिर सतयुग की अगेन ट्वाइस। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पूरे जो साइकिल है उसकी एज एक साइकिल की, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग, एक साइकिल की एज होती है 4,32,00,000 कुछ ऐसी, इतने इतने ज़्यादा ईयर्स होते हैं। तो लोमस ऋषि की ये, इसको कहते हैं एक कल्प, 4,00,000 ईयर्स सपोज आप समझ लें, तो एक कल्प, तो लोमस ऋषि के एक कल्प में एक बाल टूटता था, इतनी एज थी, उनके उनके बॉडी पे बहुत सारे बाल थे, एक कल्प में 4,00,000 तो कहता हूँ क्या 43 लाख ईयर्स में उनका एक बाल टूटता था, उनके बहुत सारे बाल थे, उतनी एज थी उनकी। उनका नाम लोमस ऋषि था, तो उन्होंने शिष्य बना रखे थे, तो शिष्यों ने कहा कि आप ठीक है, आप अपने लिए कुटिया बना लो तो अच्छा रहेगा, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, स्नो है, सब कुछ है। तो लोमस ऋषि ने उनसे क्या बोला, उन्होंने कहा टाइम नहीं है। उन्होंने कहा भैया इनके पास टाइम नहीं है तो हमारा क्या होगा। नो दैट्स द पॉइंट, मतलब या तो हमारे ऋषि मुनि पागल थे या तो क्रैक होंगे वो, कि अगर ऐसा आंसर दे रहा है टाइम नहीं है, या हम लोग क्रैक हैं, दो ही ऑप्शन हो सकती है, या आज के लोग क्रैक हैं जो कि करोड़ों चीज़ें बना रहे हैं, घर, मून, चांद, इंटरनेट, ये वो अलग अलग क्रिएशन हो रही हैं, वो टैलेंट शो नहीं होते, अमेरिका टैलेंट, इंडिया टैलेंट, ठीक है सारी चीज़ें हैं, बट व्हाट अबाउट देम, वो क्या कर रहे हैं? मेरा टाइम नहीं है। तो वो कर क्या रहे थे, किस चीज़ के लिए टाइम नहीं था, वो कर क्या रहे हैं, वो खाली बैठे हैं क्या वहाँ पे? एक्चुअली खाली नहीं बैठे, उन्होंने अपनी पूरा टाइम भगवान को समझने में इन्वेस्ट किया है, वो रियल इन्वेस्टमेंट है,
भगवान को समझना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बाकी सारी चीज़ें अल्टीमेटली वेस्ट ऑफ टाइम है। बाकी तो अपने जीवन चलाने के लिए चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। और मैं तो सबसे पूछता ही हूँ भाई, ठीक है आप लोग अपना काम कर रहे हो, रोटी कपड़ा, अल्टीमेटली तो लोगों को खाना चाहिए और घर चाहिए, अच्छा स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, इसके लिए पैसे कमाते हैं ना अल्टीमेटली। सो अगर मान लीजिए किसी की लॉटरी खुल जाए $1 बिलियन की, तो कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा। मतलब अगर मान लीजिए 100 करोड़ की लॉटरी खुल जाए आपकी किसी की, काम करोगे? कोई करेगा? कोई बेवकूफ़ है काम करेगा? मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मैं मज़े करूँगा और क्या। सो इसका मतलब है कि लोग पैसे पैसे कमाने के लिए नहीं, या कुछ आइडियलिस्टिक पॉइंट नहीं चल रहा, सिर्फ मज़े करने के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए और अपने लाइफ की सस्टेन करने के लिए कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो लोमस ऋषि ने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं काम करने की, मेरे को खाना ऐसे ही मिल रहा है, पेड़ फल दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भी कहते पेड़ फल दे रहे हैं, मैं ऐसे ही ले लूँगा। रहने के लिए गुफाएँ या पेड़ के नीचे सो जाओ, छत आसमान है, दीवारें दिशाएँ हैं, कपड़े पेड़ की छाल है, तकिया हाथ है, और बेड ज़मीन है, घास है। मतलब ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं तो लोमस ऋषि की बात की है, सुखदेव गोस्वामी सब लोग ऐसे थे। पॉइंट है टाइम बचाना लाइफ में, टाइम बचाना है किसी भी तरीके से। हम ये नहीं कह रहे कि आप घर मत रखो या पैसे मत कमाओ, बट ये लाइफ नहीं है, लाइफ है भगवान को समझना। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं यदा यदि धर्मस्य, जब लोग धर्म भूल जाते हैं, जब लोग लाइफ का एम भूल जाते हैं, तो मैं आता हूँ। सो अभी हमारी प्रेजेंट सोसाइटी में सब लोग लाइफ का लक्ष्य भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं, किसी कुछ भी नहीं पता। आप किसी से पूछो लाइफ का पर्पस क्या है, वो तो पहले 5 मिनट हमारी शक्ल देखता है। सो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, लाइफ का पर्पस, ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है? मैं एक बार कहाँ जा रहा था, न्यूयॉर्क जा रहा था, तो प्लेन में ऐसी साइड में बैठा था, NRI था, तो मैंने उससे पूछा कि ऐसी बात हो रही, तो मैंने उससे पूछा सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कहते व्हाट पर्पस, तो कहते वेल यू नो आई एम अर्निंग मनी, आई हैव फैमिली एंड आई एम ओके। अमेरिका में कहते हैं आई एम गुड। सो मैंने कहा यू आर गुड, बट माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ का एम क्या है? उसको नहीं पता था। सो मेरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। उसने कहा एम क्या होता है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मतलब मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, सब कुछ ठीक है और सब कुछ फेल एंड फाइन। तो ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। ये जो टर्म्स है ना गीता के, ये आजकल लोगों की लाइफ से बहुत दूर हो गए हैं। एम कृष्णा कह रहे हैं यम लब्धवान आचा परम लाभ हम मन्य तेना अधिकम तथा, लाइफ का एक एम होना चाहिए। वो एम क्या है वो कृष्णा बता रहे हैं। भगवद गीता में ये शब्द इस्तेमाल होता है वैराग्य, रिनन्सिएशन, ये लोगों को समझ नहीं आता। या इंद्रिय को वश करना, सेंस कंट्रोल, ये समझ नहीं आता। मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ भी देखो इंद्रिय सेंस कंट्रोल होना चाहिए, वो कहते हैं इसका मतलब क्या है सेंस कंट्रोल, ये समझ नहीं आता कि करें क्या सेंस कंट्रोल में। सो ये सारे शब्द एक थोड़े इसको कहते हैं आर्किक समझते, पुराने हो गए, पुरानी शब्दावली हो गई। तपा, दया, सौचम, अहिंसा, भक्ति, ये सारे शब्द अगर कोई बोलेगा तो लोग कहा हाँ पंडित जी है, यही है ना। बट एक्चुअली ये बहुत साइंटिफिक और बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि लाइफ में हम टाइम बचाएं और धर्म और भगवान को समझने का प्रयास करें। इसलिए कृष्ण करें हृदय हृदय धर्मस्य, एक बात, एक रूल तो ये है अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हमें लाइफ ऐसे नहीं जीनी चाहिए कि हम कभी मरेंगे नहीं। ऐसे हम जी रहे हैं, सारे मोटिवेशनल गुरुज यही बोलते हैं, है नहीं, कि कुछ करके दिखाओ, किसी की मत सुनो, तुम कर सकते हो, है नहीं। सो वो सोचेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ, चाहे उसमें कोई क्षमता ना हो करने की, फिर भी सोचता रहेगा मैं कर सकता हूँ, फिर एंड में सुसाइड कर लेगा। मेरे को कितने सारे लोग मिलते हैं आजकल, यही सुनते हैं मोटिवेशनल गुरुज की, नहीं, और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हर आदमी तो नहीं कर सकता हर चीज़। ये भी कृष्णा गीता में कह रहे हैं
कि हर आदमी की एबिलिटी अलग अलग होती है, उस एबिलिटी को पहचानना वो विजडम है, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम करना वो फूलिशनेस है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। आप मोटिवेशन करेंगे नहीं कर सकते हो, वेल यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। जैसे उदाहरण के लिए कुछ कुछ अलग लोगों की अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, करना है तो एक चीज़ करो, अपने माइंड को शांत करके दिखाओ, वो चैलेंज है। कृष्णा वो चैलेंज थ्रो कर रहे हैं गीता में, अपने माइंड को कंट्रोल करके दिखाओ, ये कुछ करना है ना, ठीक है ये करके दिखा दो, चैलेंज है। यू लाइक चैलेंजेस मॉडर्न लोग? तो अमेरिका में एक यूथ, तो एक्चुअली अमेरिका में मैं वहाँ तो बॉस्टन में था, बॉस्टन में कुछ फॉरनर्स मिले ऐसे लेक्चर, मैं तो हार्वर्ड गया था विजिट करने, तो वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे लड़के लड़की, तो ऐसे ही बात करने लगे। हम इस ड्रेस में था तो यू नो वो तो लाइक करते हैं सेंट फ्रॉम इंडिया, तो आ गए हैं उनसे बात करने। मैंने कहा ओके गुड, सो कहते हैं, सो मैंने कहा तो मैंने कहा तुम हार्वर्ड में क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि या वी वॉन्ट टू डू मेडिसिन एंड मेडिकल करेंगे और फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने कहा कि चलो, तो मैंने उनसे कहा मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, तो मैंने मेडिसिन की हुई है। कहते वो गुड, तो फिर बात करने लगे। सो तो कह रहे थे वी वॉन्ट टू डू दिस, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो करना है। मैंने कहा ठीक है ओके, यू लाइक चैलेंजेस, मैं एक चैलेंज देता हूँ, अपना माइंड कंट्रोल करके देखो। वो सब शक्ल देख रहे थे मेरी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, 6 months एक्सपेरिमेंट एंड यू ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, वो हो जाए। अगर इफ़ यू माइंड कंट्रोल कर लोगे तो आई विल गिव यू $100,000, डील करते हैं। और अगर माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वो एक्चुअली वहाँ के लोग थोड़े सेंसिबल होते हैं, एटलीस्ट फॉरनर्स कहते हैं आप दिस इज़ गुड थिंग, ओके वील ट्राई। मतलब वो तो ऐसी बात हो रही थी, बट दैट्स कृष्णा ये कह रहे हैं धर्म का एसेंस। धर्म क्या है? धर्म शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, दान पुण्य यज्ञ तप, मगर सबका बेस है माइंड कंट्रोल। सब इसलिए बनाया गया है माइंड कंट्रोल के लिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे धाम यात्रा की, तो धाम यात्रा जैसे चार धाम जो लोग करते हैं, तो चार धाम यात्रा करने के पीछे लॉजिक था, चार धाम यात्रा करने के पीछे लॉजिक था कि पहले व्हीकल्स नहीं थी तो आपको पैदल जाना पड़ता था, और चारों धाम इंडिया के चारों कोनों पे, बद्रीनाथ नॉर्थ ईस्ट, जगन्नाथपुरी साउथ, रामेश्वरम वेस्ट, द्वारका। तो अगर आप पैदल जाओगे तो आपको 2 साल लग जाएंगे जाने में, क्योंकि रिवर्स आएंगी, क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद बीच में डाकू भी होते हैं, भगवान पे पूरा शरण लेनी पड़ेगी। सो बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटीज़ अपने आप होंगी, और बहुत ट्रेमेंडस माइंड कंट्रोल चाहिए करने के लिए। मगर अब कैसे करोगे आप चार धाम? फ्लाइट जगन्नाथपुरी, फ्लाइट द्वारका, और मे बी हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं या फॉर जो बॉडी। तो अब तो बहुत आसान है, अब तो कर सकते हो। सो चार धाम के पीछे लॉजिक ये था, अदरवाइज इधर उधर घूमने से आप प्योर नहीं होगे, वो आइडिया नहीं है। अगर आप धाम में जाके एसोसिएशन लेते हो सेंट्स की तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कौए भी होते हैं धाम में, उनका तो कुछ नहीं होता। हरिद्वार में मछलियाँ भी हैं गंगा जी में, उनका भी कुछ नहीं होता। सो आइडिया ये है कि ये धाम करने से लोगों का माइंड कंट्रोल आता है, ऑस्टेरिटीज़ होती हैं, तो उससे व्यक्ति शुद्ध होता है। भगवान गीता में खुद कह रहे हैं यज्ञ दान तपा कर्मा पावनानी मनीषिना, मेंटल कंट्रोल से, यज्ञ दान तप करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल होता है। सो कृष्णा कह रहे हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर भक्ति भावता, दूसरे शब्दों में जब जब मनुष्य ह्यूमन सोसाइटी में लोग माइंड कंट्रोल मेंटल कंट्रोल उनका छूट जाता है, कृष्णा ये कह रहे हैं। सतयुग में सबका माइंड कंट्रोल था, और मेंटल माइंड कंट्रोल होने के बाद ही ह्यूमन लाइफ शुरू होती है। मनु सभ्यता, मनु हम लोग मनु सभ्यता फॉलो करते हैं। मनु से वर्ड आता है मैन, मनु वर्ड आता है मैन, मैन ह्यूमन, जो ह्यूमन है वो मनु के रूल्स फॉलो करता है। मनु के रूल्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप इज अपना मेंटल कंट्रोल में लाओ। जो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी और को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। अगर कोई किंग है, किंग की पहली ट्रेनिंग होती है माइंड कंट्रोल। कोई भी अवनीति शास्त्र पढ़ लो, विदुर नीति, शुक्राचार्य नीति,
या कामांडे की नीति, बृहस्पति नीति, पहला स्टेटमेंट ही है इफ़ यू वांट टू बिकम किंग पहली ट्रेनिंग है कंट्रोल योर माइंड. क्योंकि जो राजा अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा. जो व्यक्ति अपने लाइफ को नहीं चला सकता सही से वो दूसरों की लाइफ को कैसे चलाएगा. और हर व्यक्ति सोसाइटी में एक ना एक लेवल पे लीडर है. कुछ लोग पेरेंट्स हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, है नहीं, सब लीडर्स की तरह एक्ट कर ही रहे हैं. कुछ लोग ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो कि फैमिली को लीड करते हैं. मदर भी एक लीडर है बच्चे के लिए. सो अब लीड कैसे करोगे अगर आपको अपने आप को लीड नहीं करना था. अपने आप को लीड करने के लिए आपको अपने माइंड पे कंट्रोल चाहिए, वरना माइंड जो कहेगा वो करते रहोगे. आप विवश हो करने के लिए, फोर्स हो जाओगे. इसीलिए ह्यूमन लाइफ माइंड से मन से आता है. मनु, मनु है मन. जो मनु की शिक्षाएं फॉलो करता है वो मन को कंट्रोल करता है. अब ब्रिटिशर्स मन तो बोल नहीं पाते थे, उनका तो एक्सेंट होता है ना, तो उन्होंने मन का क्या कर दिया, मैन. तो मन से आता है मैन. मैन वो होता है जो माइंड मन को कंट्रोल करता है. सो कृष्णा कह रहे हैं जब जब इस दुनिया में लोग मेंटल कंट्रोल छोड़ देते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती इसके लिए, ट्रेनिंग चाहिए माइंड कंट्रोल की, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी किसी ने बचपन से, ट्रेनिंग उल्टी दे दी कि माइंड को और अनकंट्रोल्ड कैसे करना है. शर्ट्स पे लिखा होता है ना जस्ट डू इट, एब्सोल्युटली रिडिकुलस, पागल बनती है. जस्ट डू इट क्या, जो मन में आया करते रहोगे, ये जानवर हो गया. इसको कहते हैं एनिमल. इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये सोसाइटी रॉयलिस्टिक एडिशन ऑफ एनिमलिस्टिक लाइफ है. एनिमल लाइफ है. एक जानवर एक मनुष्य में क्या अंतर है, कोई बताएगा क्या अंतर है? श्लोक छोड़ दो, वैसे क्या डिफरेंस है एक ओके और कुछ कॉन्शियसनेस, चलो हमारी भी बहुत बड़ा टर्म है ना कॉन्शियसनेस. क्या डिफरेंस है एनिमल और हमारे में? रिफ्लेक्स ही चलते जाना. और कुछ बताओगे क्या डिफरेंस है? वेल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एनिमल को, एक तो एक डिफरेंस है कि एनिमल को ये पता नहीं कि वो नंगा है. हमें पता है ना, मतलब एक स्पेसिफिक आ गया हमें, हमें 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 ये पता है कि मैं नेकेड हूँ या मैंने कपड़े पहने हुए. वो सेंस नहीं है एनिमल को नेकेडनेस की, उसको नहीं पता. लैंग्वेज उसके पास लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास लैंग्वेज है. बट स्क्रिप्चर्स कहते हैं एनिमल्स की अपनी इनडायरेक्टली लैंग्वेज होती है. बर्ड्स अपने कुछ साइंस देते हैं, एलिफेंट्स अपने साइंस देते हैं, है नहीं. बट एक डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं है, ना लेटर्स हैं, ना ABCD, ना 1, 2, 3. मगर एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एनिमल्स को ये नहीं पता कि वो अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं. उनको नहीं पता कि वो अपने आप को रोक सकते हैं. मगर हमारे में ये गिफ्ट है भगवान का, हम अपने आप को रोक सकते हैं. जानवर को भूख लगेगी वो खाएगा, उसको गर्मी लगेगी शेड के नीचे चला जाएगा. हम रोक सकते हैं, अगर हमें भूख लगेगी हम बोल सकते हैं अपने आप को, नहीं मैं नहीं खाऊंगा. सो ये जो रोकने की पावर है ये ह्यूमन के पास है, ये एनिमल के पास नहीं है. ना पावर है ना इंटेलिजेंस है, से गिफ्ट है भगवान का. अगर हमें गिफ्ट यूज़ नहीं करते तो वो वेस्ट चला गया. और भगवान ने गिफ्ट कुछ सोच समझ के दिया है. अगर मतलब कुछ लेवल पे तो हम रोकते ही अपने आप को, नहीं कुछ लेवल पे तो रोकते ही हैं. मतलब अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे यूरिन आएगी तो आप रोकोगे ही, ये लेक्चर चल रहा है ऐसे थोड़ा ना, या ठीक है ओके बाय बाय मैं जा रहा हूँ. कुछ भी कुछ नहीं कर, आप इसको कहते हैं कल्चर. कल्चर जो है संस्कृति धर्म इस पावर पे बेस्ड है. ह्यूमन में जो पावर है रोकने की, इसी पावर पे सारा रिलीजन बिल्ट होता है. हम अपने पेरेंट्स से कुछ बोल सकते हैं कुछ नहीं बोलेंगे, रोक रहे हैं ना अपने आप को. अपने पेरेंट्स को अब्यूज़ नहीं कर सकते, चाहे हमारा मन रिवोल्ट कर रहा है मेरे मम्मी गंदी पे पापा गंदे, बट फिर भी नहीं, वी कैन नॉट से, हमने रोक लिया. या फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर सोसाइटी में बाहर मार्केट में घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं है मुझे गर्मी लग रही है तो कपड़े थोड़ा ना उतार दोगे. हम रोकते हैं अपने आप को, नहीं यार ये ऐसे तो नहीं कर सकते, बेइज्जती होगी. सो बेइज्जती का कॉन्सेप्ट, रोकने का कॉन्सेप्ट, ये सब ह्यूमंस के पास है. और ये सब जब इस गिफ्ट को हम रियलाइज़ करते हैं तो वहाँ से धर्म शुरू होता है. जो एक गिफ्ट को रियलाइज़ नहीं करता वो जानवर बन जाते हैं. जैसे वेस्ट में, क्यों वेस्ट में तो सब एनिमल्स ही हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, एनी टाइम एनी थिंग दे कैन डू. आप
कुछ समझ नहीं सकते क्या होगा नेक्स्ट मोमेंट पे, इसलिए बाहर बाहर साइकोपैथ्स भी होते हैं, शूट कर देंगे स्कूल्स में जा। अभी तो हुआ था, नहीं शूटिंग नहीं हुई थी स्कूल में जाकर, उन्हें शूट कर दिया है अभी। ऐ नहीं शूट कर, किसने, लड़के ने लड़की ने, किसने, लड़के ने बंदूक उठाई स्कूल में, क्या धड़ 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 उसको पकड़ लिया पुलिस ने। तो उससे पूछा कि भाई तुमने शूट क्यों किया है, उसने क्या बोला था, शूट क्यों किया है? उसने बोला था कि वेल मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्योंकि मेरा मन था देखने का कि लोग कैसे मरते हैं। तो साइकोपैथ, सो ये तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ वह इसको कहते हैं माइंड अनकंट्रोल्ड। सो लोगों का ऐसी माइंड अनकंट्रोल्ड है, जब मन आया कुछ खा लिया, जब मन आया सो गए, जब मन आया उठ गए, जब मन आया किसी से कुछ बात कर ली, जब मन आया यूट्यूब देख लिया, जब मन आया घूमने चले गए। इसको बोलते हैं एनिमल लाइफ, ये जानवर की लाइफ होती है। एक धार्मिक लाइफ है डिसिप्लिन, अनुशासन, कंट्रोल। तो कृष्णा कह रहे हैं यद्या यद्या धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब लोग ऐसा सब कुछ भूल जाते हैं, धर्म क्या है, माइंड कंट्रोल क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कुछ चीज़ करनी है कुछ चीज़ नहीं करनी, उसके भी रूल्स होते हैं, ये सारी ट्रेनिंग चाहिए होती है, तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तब कृष्णा आते हैं उस धर्म को दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए। अभ्युत्थानम का मतलब होता है दोबारा उठाने के लिए, अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उस अधर्म को हटाने के लिए और धर्म को उठाने के लिए दोबारा आते हैं। किस रूप में आते हैं? वैसा तो नहीं है गॉड डायरेक्टली आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। स्क्रिप्चर्स के रूप में आते हैं, शास्त्रों के रूप में, अपने गीता के रूप में भगवान प्रकट हैं, भागवतम के रूप में, अपने नाम के रूप में आते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं भगवान का नाम लो कंटिन्यूसली, ये भगवान का नाम लेने से भगवान से कॉन्टैक्ट रहता है। जैसे फ़ोन करते हैं ना, फ़ोन नंबर मिलाते हैं तो फ़ोन मिलता है, ऐसे ही भगवान का नाम भगवान का फ़ोन नंबर है। सब ऐसे ही भगवान का नाम लोगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, तो भगवान से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। हमें चाहे समझ नहीं आए भगवान से कॉन्टैक्ट हो रहा है, मगर भगवान का कॉन्टैक्ट हमसे उल्टा ज़रूर होता है। हो सकता है हमें लगे क्या हरे कृष्णा बोलने से क्या हो रहा है, वेल एक चीज़ हो रही है, जब बच्चा रोता है तो मदर की अटेंशन किस पे आती है, बच्चे, बच्चे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पूरे घर की अटेंशन बच्चे पे आती है। उसी प्रकार जब भगवान का नाम लेते हैं हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट भगवान की और पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अटेंशन आप पे आ जाएगी कि भगवान का नाम कौन ले रहा है। इस संसार में जहाँ सब भगवान को भूले बैठे हैं, कौन एक रेयर आदमी है जो भगवान का नाम ले रहा है? सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सारे एंजल, सारे देवी देवता, सारे भगवान, सबकी अटेंशन यहाँ पे आएगी। बहुत बड़ी बात हो गई नहीं? तो हमारी अटेंशन भगवान पे जाए उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, भगवान की अटेंशन हम पे आए वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो भगवान का नाम लेने से ये होता है, आप भगवान के दर्शन करने जाओ तो हम अटेंशन दे रहे हैं भगवान को, भगवान का नाम लो तो भगवान अटेंशन दे रहे हैं हमें। इसलिए शास्त्रों में भगवान के नाम को सबसे पावरफुल मेथड बोला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम। कृष्णा कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, सृजामि हम। सृजामि मतलब होता है, वैसे तो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, मैं चलो इसमें नहीं जा रहा। कृष्णा कह रहे हैं मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। भगवान, भगवान की भी एक प्लेस है, भगवान कहीं रहते हैं, गॉड हैं, गॉड की जगह हैं। साइंटिस्ट नहीं मानते, मगर साइंटिस्ट बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वेल हमें तो ये भी नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है। एक कैलकुलेशन है 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स, इतना बड़ा यूनिवर्स है, मगर उसके बाद क्या किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके बाद से लाइट ही नहीं आ रही। बट ऐसा नहीं है उसके बाद कुछ नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं कहता हो सकता है यूनिवर्स और बड़ा हो मगर हमें पता नहीं, मगर स्क्रिप्चर्स को पता है उसके बाद क्या है। उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है
और स्क्रिप्चर्स में डिस्टेंस भी है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वैकुंठ कहते हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी डिस्टेंस क्या है अर्थ से, आप कैसे जा सकते हो वहाँ पे, किसी मशीन से नहीं जा सकते, बट बहुत सारे जो असुर थे वो उनके पास टेक्नोलॉजी थी जाने की, माइंड टेक्नोलॉजी, माइंड से ट्रैवल करते थे वो लोग। और फिर वहाँ पे भगवान रहते हैं, वो कैसे हैं, क्या बोलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। शिला प्रभुपाद के पास कुछ फिलोसफर्स मिलने आए थे एल ए में, तो प्रभुपाद पूछ रहे थे फिलोसफर से, सो यू नो गॉड, सो वो कह रहे थे या वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गॉड। प्रभुपाद ने कहा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी विल टेल यू हु इज़ गॉड, तुम ट्राई क्यों कर रहे हो, हमें पता है गॉड कौन है, हम तो सुन क्यों नहीं लेते। सो दे वर या नो यू नो व्हाट वी हैव टू एक्सपीरियंस हिम आवर सेल्फ। प्रभुपाद कहते हैं फूलिशनेस। प्रभुपाद ने कहा सारी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कॉन्ट एक्सपेरिमेंट विद गॉड एंड यू कॉन्ट एक्सपेरिमेंट विद योर लाइफ, दोनों नहीं हो सकता। इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं अगर तो चलो मान लीजिए आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, मान लीजिए आपको जानना है मैं कौन हूँ, तो क्या करोगे, कोई एक्सपेरिमेंट करोगे या मैथमेटिक्स से समझने की कोशिश करोगे मैं कौन हूँ। क्या करना है, मुझसे पूछना है मैं कौन हूँ, मैं बता दूँगा आपको, दैट्स ऑल। या गूगल में देख लो, अगर मान लीजिए यूट्यूब पे मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बेसिकली। सो ऐसी भगवान को जानना है तो एक्सपेरिमेंट नहीं होता उसमें, ना उसे मैथमेटिक्स चलती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस संसार की चीज़ों को जानने के लिए इन्फॉर्मेशन गूगल से मिलती है, भगवान को जानने के लिए इन्फॉर्मेशन गीता से मिलती है, सिंपल है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन है उसके पास नॉलेज है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास अच्छे विचार हैं, जिसके पास अच्छे विचार हैं उसके पास अच्छा चरित्र है, जिसके पास अच्छा चरित्र है वो अच्छा इंसान है, इस तरह से लॉजिक चलता है। सो कृष्णा कह रहे हैं मैं आता हूँ, तो भगवान शास्त्रों के रूप में आते हैं, गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की वर्ड्स और भगवान सेम है, भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं, भगवान साधुओं के रूप में आते हैं, क्योंकि सेंट्स भी आपको भगवान के बारे में बताते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि हमें इन लोगों से एसोसिएशन लेनी चाहिए, जितना टाइम हो हम शास्त्र स्क्रिप्चर गीता पढ़ने में इन्वेस्ट करें, जितना टाइम हो भगवान का नाम लें, जितना टाइम हो हम सेंट्स से एसोसिएट करें, सेंट्स मतलब इंटेलिजेंट वाइज लोग, उनसे सुनें, उनसे समझें, अपने डाउट्स पूछें, तब जाके हमारी कॉन्शियसनेस, वर्ड आया था कॉन्शियसनेस, तब कॉन्शियसनेस हमारी धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तब धीरे धीरे धर्म हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे माइंड में समझ आएगा हमें धर्म। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को काम वासना नहीं पता क्या है, नहीं छोटा बच्चा है 1 साल का, आप नहीं समझा सकते उसको लस्ट, उसके लिए सभी आंटी हैं, दैट्स ऑल, यू कांट, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी बता दो, आप नहीं बता सकते लस्ट क्या है। बट एक पर्टिकुलर एज के बाद, उस एज को बोलते हैं द एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ मैच्योरिटी, अपने आप समझ आने लगता है कि कुछ है फीमेल मेल अट्रैक्शन, उससे पहले नहीं आ सकता। उसी प्रकार जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, जब तक सेंट्स की एसोसिएशन नहीं लेंगे, तब तक हम कितने शास्त्र पढ़ते रहें आपको नहीं समझ आ सकता, ब्लॉक के अंदर। क्यों नहीं, मतलब मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप 1 साल के बच्चे को समझा के दिखा दो कि काम वासना क्या है। कोई समझा सकता है दुनिया में, एनीबॉडी, कोई साइंटिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई भी नहीं समझा सकता, उसके ब्रेन मैच्योर ही नहीं है, टाइम लगेगा। उसी प्रकार अगर हमारा माइंड मैच्योर नहीं है तो हम ये चीज़ें नहीं समझ सकते। इसलिए लोग गीता पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, उनको समझ ही नहीं आती चीज़ें, समझ भी आती है तो अपने लेवल से आती है, उस लेवल के बियॉन्ड नहीं जा पाते। मगर स्पिरिचुअलिटी अथाह है, भगवान की नॉलेज स्काई की तरह है, उस आसमान में एक चिड़िया भी उड़ती है, ईगल भी उड़ती है, वल्चर भी उड़ता है, और एक पक्षी का नाम है एल्बेट्रॉस, सुने, वो भी उड़ता है सबसे ऊपर। अब वो आप चिड़िया हो तो बहुत नीचे उड़ोगे, ईगल हो तो थोड़ी ऊपर, वल्चर है तो और ऊपर, एल्बेट्रॉस सबसे ऊपर, उसका कोई एंड थोड़े ना है। तो जो अपने आप स्क्रिप्चर पढ़ते रहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते,
या नाम नहीं लेते, उनका माइंड मैच्योर नहीं होता, वो कितने ही पढ़ लें उनको समझ नहीं आएगा कुछ, एक लेवल पर अटक जाएंगे। अगर आप किसी 1 साल के बच्चे को नॉवल दो, रोमांटिक नॉवल, वो सब 1 साल का बच्चा तो पढ़ भी नहीं सकता। बट शायद अमेरिका में पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, हैबिट, रीडिंग हैबिट होती है, वहाँ पे नॉवल्स पढ़ पाते हैं। सो ठीक है, अगर मान लीजिए 1.5 साल का बच्चा, उसको रोमांटिक नॉवल दो, उसको बोलो पढ़ ले, वो पढ़ लेगा। पूछो बेटे कंक्लूजन क्या है, क्या बोलेगा, क्या सीखा तुमने, क्या बोलेगा, क्या आंसर होगा उसका, व्हाट डू यू थिंक, क्या बोलेगा बेटे, क्या पढ़ा तुमने, तो क्या रोमांटिक नॉवल है, तो परहैप्स वो बोलेगा कि क्या बोलेगा, आई डोंट नो, मतलब वो डेफिनेटली वो ये तो समझ नहीं पाएगा रोमांस क्या है। वो बोलेगा एक अंकल थे, एक आंटी थी, घूम रहे थे अपने आराम से, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, दैट्स ऑल समथिंग। मतलब दूध नहीं पीते थे वो, पता नहीं क्या हो गया उनको, समथिंग। वो अपने लेवल से कुछ कंक्लूजन निकाल लेगा एंड ही विल बी हैप्पी, मुझे समझ आ गया। बट एक्चुअली जब बड़े सुनेंगे तो हंसेंगे, मूर्ख है। उसी प्रकार अगर आप अपने आप गीता वीता और शास्त्र पढ़ते रहोगे और भगवान का नाम नहीं ले रहे और अच्छी ट्रेनिंग नहीं ले रहे सेंट से एसोसिएट करके, और फिर आप समझ के आप सोचोगे आपको आ गया, और जब सेंट से साधुओं से मिलोगे तो वो हंसेंगे कि बच्चों की बातें कर दी इसने, तो इसको समझ ही नहीं आया। और फिर मज़े की बात है, ऐसे लोग जब साथ पढ़ते हैं ना, और जब नाम नहीं होता, जब साधना नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती, एसोसिएशन नहीं होती, तो या तो मूर्खों की तरह रहते हैं या टेररिस्ट बनते हैं। हो चल ही रहा है इंडिया में, नहीं हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गया, हेट और ये सब जो भी है, व्हाटएवर जो भी कहानी है जो भी है, बट जिहाद, आईसिस, ये वो क्यों हो रहा है सब? क्योंकि अपना स्क्रिप्चर तो सही से नहीं पढ़ रहे, पढ़ भी रहे हैं तो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो भी है। हम लोग भी अपनी गीता तो किसी ने पढ़ी नहीं, आधा पौना पता है, जिसने पढ़ी भी है तो वो गलत मतलब निकालते हैं, हाँ भाई ठीक है गीता में लिखा है ये लिखा है, वो कुरान अपनी पढ़ रहे हैं वो अपना मतलब निकाल रहे हैं, जो बाइबल वाले हैं वो अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं, और लड़ते जा रहे हैं। क्रूसेड्स हुई पहले 17वीं शताब्दी में, क्रिश्चियंस इस्लाम लड़ते रहे पागलों की तरह, करोड़ों लोग मर गए। फिर मुग़ल आए, इंडियंस आए, उन्होंने करोड़ों लोगों को मार दिया, उन्होंने भी इस्लाम का सहारा लिया। चंगेज़ खान आया था, उसने भी कहा यस इस्लाम और ये वो, तो हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। वो आया, उसने करोड़ों लोगों को मार दिया। फिर यहाँ पे भी हिंदुओं में भी लड़ाई होती रहती है, शैवाइट्स वैष्णव वो लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह, शास ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हॉरिबल। क्योंकि क्यों है सब? दो कारण से, या तो किसी ने पढ़ा नहीं, या पढ़ा है तो बिना किसी टीचर के। और बिना किसी टीचर के पढ़ना बहुत खतरनाक है, नहीं, हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। मतलब मैंने तो, मैं कहीं जा, मैं सेमिनार देता हूँ, पटियाला में सेमिनार दिया था, तो मैंने कुछ बोला ऐसी, तो कहते नहीं गूगल में हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। मैंने कहा गूगल की बात छोड़ दो, गूगल गूगल में तो पढ़ गए लोग अपना कबाड़ा ही करते हैं। मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस करता था एज ए डॉक्टर एम्स में, तो हमारे पेशेंट्स, उस टाइम तो गूगल नहीं था, मगर अभी भी मेरे फ्रेंड्स तो हैं ही, तो कहीं पेशेंट्स आते हैं तो उनसे बोलते हैं हम कि भी देखो तुझे प्रॉब्लम है, तुझे अभी फॉर एग्जांपल ओवेरियन सिस्ट है, मतलब फीमेल को आए ओवेरियन सिस्ट, तो कहती है डॉक्टर हमने गूगल में पढ़ा था, इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है ये है, इसकी दवाई आप ये दवाई दे रहे हैं मगर गूगल में तो कुछ और दवाई लिखी है। तो एम्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो गरीब होता था एक थप्पड़ मारते थे उसको, वो ऐसे ही चलता है वहाँ हॉस्पिटल में, ज़्यादा ही बोलना किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम ही है ना कि उसको क्या समझाएं, उसने मेडिसिन तो की नहीं, MBBS तो है नहीं, वो गूगल में कुछ पढ़ के आ रहा है, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, हो हमें भी पता है भाई, मगर प्रैक्टिकली हमें पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता और क्या करना है। अब तुझे पूरी MBBS थोड़े ना पढ़ा देंगे, थप्पड़ मारना एथिकल नहीं है इंडिया में चलता है वैसे, बट यू कॉन्ट एक्सप्लेन। मतलब तो बॉस्टन में मेरा भाई भी डॉक्टर है, तो उसके अमेरिका में थप्पड़ नहीं मार सकते, आओ तो जेल में चले जाओगे सीधा, वो सोच भी नहीं सकते वहाँ। तो वहाँ पे वहाँ तो पेशेंट्स एजुकेटेड होते हैं ना अमेरिका में, वो पूछते हैं क्वेश्चंस, आपको एज अ डॉक्टर आंसर करना होगा, वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मेरा भाई, मैं बॉस्टन में था तो वो आया एक दिन हॉस्पिटल से, कहता यार फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता यार ये बेवकूफ़ फिरंगी, मतलब घर में ऐसी बातें चलती हैं यार, ये लोग कुछ आता नहीं है, कुछ पढ़ पढ़ के आ जाते हैं गूगल पे, हमारा दिमाग ख़राब करते रहते हैं, और हमें उनको समझाना पड़ता है, या यू नो दिस इज दिस दिस, वहाँ अच्छी तरह बोलना पड़ता है, अरे वो केस कर देगा, तो फ्रस्ट्रेट होकर बताना पड़ता है, या यू नो दिस इज़ लाइक दिस इज़ लाइक दिस।
मेरा भाई कह रहा था, मैं अपने मन में सोच रहा था यार पागल यार, इसको क्या बताऊँ, इसको मैं कैसे समझाऊँ, किसी तरह पैचअप करके भेजते हैं। बट यू सी द पॉइंट, स्क्रिप्चर्स अगर बिना टीचर के पढ़ोगे तो ये चालू हो जाएंगे, टेररिज्म, जिहाद, आइसिस, दंगे, तो दो 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 वो हैं स्ट्रैटा, या तो अपने आप पढ़ोगे शास्त्र या तो मूर्ख बन जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, साइड में रख दोगे गीता, या एक्सट्रीम बन जाओगे फैनेटिक, या बीच का भी है, पूरा कन्फ्यूज्ड होके दूसरों को कन्फ्यूज़ करना शुरू कर दोगे। गीता में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, देखो हम ये जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है। इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं तदात्मानम सृजामि हम, मैं आता हूँ इस संसार में, ज़रूरी है डायरेक्टली आऊँ, सेंट्स के रूप में आऊँगा, टीचर्स के रूप में आऊँगा। हम लोग आजकल संत साधु बोलते हैं, मगर एक्चुअली ये वर्ड्स अच्छे नहीं हैं, गंदे हो चुके हैं, हम लोग बोलते हैं टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स। तो उनके पास जाओ, उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनके पास जाके क्वेश्चंस पूछना चाहिए, अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो इधर उधर की बातें करके आ जाओगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी अगर आपको बीमारी है कोई, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से पूछो आप मिलके, हाउ आर यू, डॉक्टर कहेगा या गुड, सो आपका जी आप अच्छा चल रहा है, हाँ कहाँ घूम के आए, क्या हुआ, क्या हुआ, हो गए वापस आ गए, तो बीमारी ठीक होगी, कुछ नहीं हो, रिलेशनशिप बन जाएगा डॉक्टर से, मगर ठेंगा, टाइम वेस्ट। डॉक्टर को आपको जाके बताना पड़ेगा, डॉक्टर यू नो मुझे प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तब बिजनेस शुरू होगा। तो ऐसे किसी भी सेंट के पास जाते हैं तो पहले आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, अगर नॉलेज नहीं होगी और ईगरनेस नहीं होगी समझने की, तो आपके पास अच्छे क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चंस नहीं होंगे तो अच्छे आंसर नहीं आएंगे, तो आपका मिलना बेकार हो जाएगा, यूजलेस। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा कह रहे हैं कि मैं हूँ, ऐसा नहीं है नहीं हूँ, अपनी गीता के रूप में हूँ, अपने नाम के रूप में हूँ। इसलिए भगवान ने रिकमेंड किए दो चीज़ें, जब जब धर्म की हानि होती है तो दो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान की गीता पढ़नी चाहिए। नाम लेने से माइंड मैच्योर होगा, जैसे बच्चों का माइंड मैच्योर होता है, और गीता पढ़ने से उस मैच्योर माइंड में मैसेज समझ आएगा, समझ आएगा तो डाउट्स भी आएंगे, क्योंकि अगर आपको पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको समझ भी नहीं आ रहा, यही कहते हैं ना, पढ़ने के बाद कुछ अगर संशय नहीं आ रहे तो या तो आपको सबको समझ आ गया, कुछ भी समझ नहीं आया, सबको समझ आ गया ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए आप पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे तो आपको टीचर की ज़रूरत है, खुद कैसे ढूंढोगे, खुद नहीं ढूंढ सकते आप। इसलिए तीनों है, साधु, गुरु और शास्त्र, ये ट्रायंगल है, तीनों चाहिए, भगवान इन तीनों के रूप में आते हैं, साधु, गुरु, शास्त्र। साधु मीन्स टीचर, गुरु मीन्स आपका गाइड, साधु मतलब बहुत सारे टीचर्स हो गए जैसे कॉलेज में होते हैं, गुरु मीन्स स्पेसिफिकली आपका जो गाइड है, और शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स। और इन तीनों को चलाने के लिए, इन ये तो ट्रायंगल हो गया, मगर इसके पांव भी होने चाहिए ना, वरना खड़ा कैसे होगा, वो पांव है भगवान का नाम, वरना आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। अगर आप भगवान का नाम नहीं ले रहे तो आपका सुनने का मन ही नहीं करेगा, एक बार सुनोगे कहोगे बोर हो गए, एक बार गीता पढ़ोगे हो गया, बस इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। सो ये भगवान ने चार पिलर्स दिए हैं हमारे लिए, भगवान इन चार रूप में आते हैं, साधु, गुरु, शास्त्र और नाम, और अगर हम इनका सपोर्ट लेंगे तो हम धीरे धीरे वाइज बन जाएंगे, हम एक ह्यूमन बन जाएंगे, एक डिवोटी बन जाएंगे, और हमारा माइंड कंट्रोल होगा, जिसका माइंड कंट्रोल है उसका माइंड पीसफुल है, जिसका माइंड पीसफुल है उसका माइंड सुखी है, हैप्पी है। और आफ्टर ऑल हैप्पी तो रहना है हमें, सिर्फ दिखाना थोड़े ना है हैप्पीनेस शक्ल पे, अगर हैप्पी माइंड है, हैप्पी माइंड एज अ क्या कहते हैं हेल्दी बॉडी, मन खुश है तो बीमारियां अपने आप नहीं होंगी, बीमारियां होती हैं जब मन खुश नहीं होते, ये तो आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है, ऑल डिजीजेस प्रोसीड फ्रॉम माइंड, वाग्भट में पहले लिखा है, जो भी आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है मतलब माइंड में कोई टेंशन है, कहीं स्ट्रेस है, उसका मैनिफेस्टेशन आपकी बॉडी में आ रहा है कहीं ना कहीं। सो माइंड हैप्पी है, बॉडी हेल्दी है, आपसे 10 लोग मिलेंगे वो भी हैप्पी होंगे, उनको भी भगवान के बारे में पता लगेगा, बस और क्या चाहिए, गंदे थॉट्स नहीं आएंगे माइंड में, एडिक्शन ख़त्म होगी चीज़ों की, एडिक्ट हो गए हम फालतू की चीज़ों से इस मॉडर्न सोसाइटी में,
बस आप इस जीवन में भी खुश, अगले जीवन में खुश, और क्या चाहिए, यू आर हैप्पी। भगवान का प्रपोजल बहुत अच्छा है, भगवान प्रपोजल दे रहे हैं आपको पैसे चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, चूज़ कर लो, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें या पीस चाहिए। और जिनको मिल जाता है सब कुछ, बड़ी बड़ी चीज़ें और पैसे, वो फिर सेमिनार सुनने आते हैं स्ट्रेस कैसे हटाएं, वो उल्टा है स्ट्रेस मैनेजमेंट सारे कॉर्पोरेट्स में, ओके स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, तो फ़ायदे क्या यार, जब वो वहाँ पर जाके वो ये आ रहे हैं तो हम पहले क्यों ना कर लें, हमें क्या लेना देना है। सो हम भगवान की बात मानेंगे तो खुश रहेंगे, इंसान की बात मानेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम गीता पढ़ें, एक पॉसिबल हो तो टीचर लें, अदरवाइज़ आप कहीं नहीं पहुँचोगे, एक लेवल पे अटके रहोगे। किसी ने भी MBBS, कोई भी डॉक्टर नहीं बना बिना सिर्फ किताब पढ़ के, कॉलेज जाना ही पड़ता है, वरना किताबें तो सब मिलती हैं, आप पढ़ के बन जाओ, इम्पॉसिबल है। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए टीचर चाहिए, किताबें पढ़ के एक लेवल तक आ सकते हो, एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सो टीचर लें, भगवान का नाम लें, एसोसिएट करें, बस ये लाइफ है और क्या है। सो हैप्पी लाइफ, मतलब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि, मुझसे अभी भी लोग पूछते हैं कि आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी अपना डॉक्टर प्रोफेशन छोड़ के, रियली really, मतलब अभी भी पूछते हैं कि आप कुछ मिसिंग नहीं लगता, तो ऑफकोर्स तो हम कहते हैं मिसिंग वहाँ पे लगता था, यहाँ तो फुलफिलमेंट है, चाहे कुछ भी नहीं है तब भी फुलफिल्ड है हम। मज़े की बात तो ये है, वहाँ पे सब कुछ था तब भी खाली, बहुत बड़ा अजीब सा क्या कहते हैं पैराडॉक्स है सब कुछ होते हुए भी अजीब सा लगता है खाली खाली, कुछ नहीं होते हुए सब कुछ है। अब ये कैसे है, ये एक मिरेकल है, जादू है, भगवान से जुड़ने का जादू। मतलब इतने सारे संत हो गए, इतने सारे ऋषि मुनि हो गए, पेड़ के नीचे बैठे हैं और खुश हैं। एक्चुअली मैंने इसी बात पे घर छोड़ा था, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में आया यार ये सब या तो पागलखाने से छूट के आए हैं, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता। और देखने में तो हमारे दोस्त और ये लोग पागल लगते हैं, ये रोते रहते हैं, टेंशन होती रहती है, ये हो गया, हाय हाय हाय, तो कुछ तो चीज़ें उनके पास जो हमारे पास नहीं है, वरना एक आदमी बैठ नहीं सकता ऐसे खाली पेड़ के नीचे कई सालों तक, कैसे कैसे हो सकता है, आप बैठ के दिखा दो पेड़ के नीचे खाली, पागल ही हो जाओगे एक रूम में खाली बैठ के दिखा दो बिना इंटरनेट के, पागल हो जाओगे 2 मिनट में। इसका मतलब उनके पास कुछ है, वो क्या है उनके अंदर। ओ कृष्णा कह रहे हैं आत्मरति अंतर अंतरति, कृष्णा कह रहे हैं उनके पास भगवान का प्रेम है, भगवान की नॉलेज है, जिसको लेने से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाती है सोल, और तभी तो वो समाधि में चले जाते हैं। समाधि कॉन्सेप्ट होती है, ऋषि मुनि गुफा में बैठ के 10 साल तक बैठा हुआ है, वो कैसे बैठा हुआ है, मतलब पॉसिबल क्या है, बिना खाए पिए बॉडी से ऊपर उठ गया, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही होती है कि बॉडीली फंक्शंस वो भूल जाता है, माइंड से भी ऊपर उठ जाता है। सो यू कैन इमेजिन कितनी हैप्पीनेस होगी वो। इसलिए शास्त्रों में लिखा है संसार की हैप्पीनेस तो एक सिर्फ एक बूंद के समान है, एक गाय के खुर के समान जितना पानी आता है थोड़ा सा, मगर भगवान की से जुड़ने से जो हैप्पीनेस मिलती है वो हम इमेज सपने में भी नहीं सोच सकते वो। मगर वो हैप्पीनेस लेने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए सही, और कॉन्टैक्ट चाहिए सही से, गीता की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब जाके होगा, टीचर चाहिए, देन इट्स पॉसिबल। ओके सो दैट्स इट, कृष्ण का प्रपोजल है, आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट करो ना करो, आप नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, एक्सपेरिमेंट है लाइफ के साथ बट खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखना सेकंड क्लास इंटेलिजेंस है। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस जो कर चुके हैं उनसे पूछ लो क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, आप जितने भी अमीर लोगों से पूछोगे सब दुखी हैं, जाके पूछ लो 100%, आपको नहीं बताएंगे मुझे तो बता ही देते। मैं तो कैलिफोर्निया साइनोजे जाता हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलते हैं, 2-5 मिनट पे रोना शुरू कर देते हैं मेरे सामने, और भाऊ ये कर रही है, और बात वहीं आती है नहीं बच्चों ने तंग कर रखा है, बिलियनर साइनोजे में सब बिजनेसमैन है, साइनोजे में मतलब हब है, स्टार्टअप्स करते हैं, रोना शुरू, मैं अकेला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कोई खुश नहीं। सो खुश वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है,
बड़ी अजीब सी बात है, नहीं आपको माइंड में सेट नहीं होंगी चीज़ें जब तक आप फॉलो नहीं करोगे। जिसके पास कुछ नहीं है वो खुश है, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। मैंने कहा देखे तो सही क्या होगा, जब भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं है तो खुश हैं, देख ऐसे लगती तो गपी है यार, कुछ नहीं है खुश कैसे हो जाएंगे। तो मैंने अपनी दादी को बोला था देखो गीता में लिखा है कुछ नहीं है तो खुश हो जाएंगे। दादी ने कहा देख सांस नहीं आएगी तुझे बिना पैसे के। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, बकवास बातें हैं। तो मैंने कहा कर एक्सपेरिमेंट करके तो देखें, कुछ भी नहीं रख के देखते हैं क्या होता है। तो घर छोड़ा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो खुशी है, कोई टेंशन नहीं, ना आगे ना पीछे, ना इधर ना उधर, ना पैसे संभालने हैं, ना कार्ड संभालने हैं, टैन कार्ड पैन कार्ड शैन कार्ड जो भी हुआ वो करते रहो, पागलों की तरह कुछ नहीं करना। सो खाना मिले नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने को हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर हैप्पी। मैंने कहा ये लाइफ अच्छी है यार, क्योंकि आफ्टर ऑल खुशी तो रहना है। क्योंकि मैंने तो लाइफ में देख लिया था सब दुखी हैं, पेरेंट्स दुखी, ग्रैंडफादर दुखी, चाचा दुखी, लड़ते जा रहे हैं पागलों की तरह, क्या चल रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो छोड़ सकता है बहुत अच्छा है, छोड़ दो सब कुछ। मगर जो नहीं छोड़ सकता, जिसकी लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सब चीज़ें हैं, अपने लाइफ में कम से कम नीड्स रखे, और सोसाइटी की मत सुनो, भगवान की सुनो, भगवान को समझो, अच्छा टीचर लो, ट्रेनिंग लो, लाइफ परफेक्ट करो, और दूसरों की हेल्प करो, बस दैट्स ऑल। इससे इससे बाकी जो कुछ है सब बकवास है, सब यूजलेस टॉक्स हैं, सब वेस्ट ऑफ लाइफ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। जितने भी न्यूज़ हैं इधर उधर, क्या चल रहा है, मतलब नूपुर शर्मा का चल ही रहा है इंडिया में, नहीं चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है नूपुर शर्मा, वो लोग कह रहे हैं मार देंगे इसको, ये कर देंगे, ठीक है एक लेवल पे जो डिस्कशंस ठीक हैं, मगर उससे भगवान को समझने में हेल्प क्या मिल रही है, कोई हेल्प नहीं है। आपको आप लोगों को नहीं पता क्या चल रहा है न्यूज़ में, अच्छा है नहीं पता, वैसे अच्छा है नहीं पता, जानने की ज़रूरत क्या है यार हमें। आज एक नूपुर शर्मा है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो जी कहानी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ न्यूज़ तो बनती रहती है। पहले कोरोना आया था, उसमें दिमाग हो रहे कोरोना कोरोना, अब नूपुर शर्मा नूपुर शर्मा, फिर पहले कश्मीर फैल्स, अरे कश्मीर फैल्स, फिर कुछ होगा, कुछ पता नहीं कुछ हो जाएगा, फिर अरे ये वो ये वो माइंड डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे पागलों की तरह। हमें क्या लेना देना यार, हमें लेना देना है, मगर लेना देना ये सॉल्यूशन है, अगर सब भगवान को समझ जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व। फिर एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों लड़ेगा, क्यों हेट करेगा एक इंसान दूसरे इंसान से, क्योंकि शास्त्र सबको प्रेम करना ही सिखा रहे हैं। सो सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी, ये मुझे समझ आ गया, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है यार, टाटा बाय बाय। सो अगर आप फैमिली लाइफ में हो, टाइम बचाओ, अपनी ड्यूटीज़ करो, फैमिली ड्यूटीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टाइम बचाओ और भगवान पे इन्वेस्ट करो, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ओके कुछ पूछना है, कुछ कहना है, आई एम डन हियर।